कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले दिन सदन में भाषण दिया, जिसके बाद से ही एक नया विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला सांसदों का कहना है कि राहुल ने सदन में फ्लाइंग किस दिया। देखते ही देखते ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बीजेपी सांसद पूनम महाजन से खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने किस तरह राहुल गांधी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल के संस्कारों पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि सभी महिला सांसद मिलकर स्पीकर के पास जाएंगी और मामले की शिकायत करेंगी। बीजेपी से लोकसभा सांसद पूनम महाजन जी मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। मैम, राहुल गांधी को लेके आपको क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग कहने की फ्लाइंग किस दिया उन्होंने? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद आपकी वीडियो देखिए, उसमें उन्होंने क्या किया है। ये कोई हम गणित कोई कथित कहानी नहीं बता रहे, ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। और जिस प्रकार से उनका शारीरिक जेस्चर था, उनकी भाषा थी, ये पूरी तरह अनपार्लियामेंट्री और असंस्कारी है, और उसका विरोध हम पुरजोर रूप से करेंगे। वो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो। हाँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो दिख रहा है, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान में कितनी नफरत दिखती है आपकी भाषा में, आपकी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में। आप भारत जोड़ो के बात करते हैं तो भारत के टुकड़े करते हैं। आज 9 अगस्त है, उसके बारे में तो आपने कुछ बोला नहीं। ऐसे ही नाम रख के कुछ नहीं होता, मोहब्बत की दुकान मोहब्बत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे अनपार्लियामेंट्री जेस्चर आप जहाँ रास्ते पे कर सकते हैं, बट पार्लियामेंट में ऐसे जेस्चर करना, ये आप जैसे सीनियर सदस्य के लिए भी ये बहुत दुखद है और आपके संस्कारों के भी। किस तरीके की शिकायत करने जा रहे हैं? शिकायत अभी हमने की है, सब महिला सांसद हम जाएंगे और स्पीकर को मिलेंगे, और हमने उसके लिए साइन भी की है सब साथ में मिलके, एनडीए की महिला सांसद। दरअसल आज राहुल गांधी संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पहली बार बोले थे। इसी कड़ी में उन पर महिला सांसदों ने फ्लाइंग किस का गंभीर आरोप लगा दिया है। जब मामले की तस्वीरों की छानबीन की बात चल रही है, तो खबर है कि जिस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भाषण चल रहा था और राहुल गांधी लोकसभा से बाहर निकल रहे थे, उसी समय ये फ्लाइंग किस की घटना घटी है, और राहुल का ये वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। इस पल के गवाह रहे लोगों के अनुसार, जब राहुल गांधी अपने अविश्वास प्रस्ताव भाषण के बाद लोकसभा परिसर से बाहर निकल रहे थे, तो उनकी कुछ फाइल्स गिर गई थी। जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए झुके, तो कुछ बीजेपी सांसद उन पर हंसने लगे। इस पर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस कर दी और हंसते हुए बाहर चले गए। इसी कड़ी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, सिर्फ एक महिला विरोधी व्यक्ति ही संसद में महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है, ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा गया। शुड ही बी ब्रॉट टू टास्क, राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। धन्यवाद। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर क्या कहा, आप भी सुनिए। फ्लाइंग किस करते हैं, क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था, भारत माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी, आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा? अब चलिए, राहुल गांधी से और अपेक्षा क्या करती है? राहुल गांधी जितना बोलते हैं, राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व को उतना ही हल्का करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।